मेरा नाम जुएब है और आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड रियलिटी फैक्ट्स। डॉक्टर जाकिर नाइक से स्टार्ट में जो सवाल होगा वो एक लड़की जो है इस्लाम का मुताला कर रही थी और उसने ये सवाल तो नहीं अपनी एक राय उनसे शेयर करी कि मुसलमान मज़हब में जो है किसी को तकलीफ देना जो है इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बल्कि यहाँ तक के जो मुसलमान लोग होते हैं उनको ज़्यादातर लोग टेररिस्ट कहते हैं, तो वो भी ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान मज़ाहब जो है वो उसमें जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। तो कितना खूबसूरत तरीके से उसने अपनी राय डॉक्टर जाकिर नाइक से शेयर करी और बताया कि मैं 1.5 साल से चीज़ों को देखती हूँ। तो फिर उन्होंने जवाब में ये कहा कि ठीक है, आप उनके साथ जो है वो तर्जुमा इंग्लिश में या हिंदी में जो है शेयर किया जाए ताकि वो और कुरान को पढ़ें। तो उनकी जो तकरीर होती हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, उससे काफ़ी लोग मुतासर होते हैं, भले वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो उनको फॉलो करते हैं और उनकी चीज़ों को भी जो है काफ़ी डिटेल में जो है सुनने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे आके सवाल भी करते हैं। तो बड़े खूबसूरत तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं। जैसे कि आप लोग मुख्तलिफ वीडियोस में देखते होंगे, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स के ऊपर वो डिबेट होती है उनके साथ, तो फिर भी जो है वो कितना खूबसूरत तरीके से रेफरेंसेस के साथ डिबेट का जवाब देते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे फिर एक सवाल एक लड़का करेगा गाय के मांस के बारे में। ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स पे मैं रिएक्शंस दे चुका हूं पहले भी कि इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि गाय का गोश्त खाया जाए, कहीं पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, लेकिन खा सकते हैं मुसलमान। बहुत सारी वजूहत पहले भी डॉक्टर जाकिर नाइक बयान कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से लड़का इस बारे में भी सवाल करेगा और क्या जवाब मिलता है उसको। मैं खातून के शोबे में कोई नॉन मुस्लिम खातून हूँ, सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर नायक, मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1.5 सालों से फॉलो कर रही हूं और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ कुछ गलत फहमियाँ थी शायद वो क्लियर हो गई हैं। एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा, मैं सोचती हूँ क्योंकि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो। और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से, इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नाइक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा, जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो, ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मैं तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है और नफरत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता है। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहु तआला से बहन कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, ये इंशाल्लाह आपको आपके रब के और करीब ले आएगा इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और इस कुरान मजीद का तर्जुमा मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी अहलिया से, अगर वो लेडीज़ के सेक्शन में हैं तो इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे, अंग्रेज़ी में या हिंदी में जो भी ज़बान हो चाहती है। और मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह और हिदायत पाएंगे। जज़ाकअल्लाह। थैंक यू। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई? जी हाँ। मेरा नाम आनंद करवा है, मैं बाई प्रोफेशन CA हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ, वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं,
किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। आनंद भाई ने सवाल किया, वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते, लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला हमारा रब हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन चार पायो जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुबहाना व ताला हमारा खालिक हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते, उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें आटों के आटों एमिनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में गोश्त में आटों एमिनो एसिड मौजूद है, इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन बी वन है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ भाजीपाला खाते हैं, भेड़ बकरी गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हॉबी। हर टॉपिक की तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस टॉपिक पे जो सेम सवाल हुआ था गाय का मांस खाने पे बड़ा खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। उन्होंने फिर से एग्जांपल लेके बताया कि खास तौर पे जैसे गाय है भैंस है या बकरी है, उनके दांत अल्लाह ताला ने बनाए इस तरह के हैं कि वो घास को खा सके। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि जैसा कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर वो गोश्त नहीं खाते तो कहीं पर इस्लाम में फ़र्ज नहीं कि वो उनको गोश्त ही खाना है। अगर वो चाहें तो वो वेजिटेरियन रहकर भी एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। और फिर उन्होंने हवाला दिया साइंटिफिकली कि क्यों अल्लाह ताला ने डॉक्टर अल्लाह ताला ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि क्यों अल्लाह ताला ने दांत जो है जानवरों के जो घास खाते हैं इस तरह के बनाए, जबकि इंसान के दांत जो है वो स्ट्रेट भी हैं और नोकीले भी हैं, वो इसलिए बनाए गए कि इंसान जो है वो गोश्त भी खा सके और सब्जियां भी खा सके। पूरे सेट ऑफ टीथ है ये, सिर्फ भाजीपाला खाते गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर शेरे बब्बर चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजीपाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने ईश्वर ने हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिए हैं, चपटे दांत भी दिया है और नोकेले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो ये नोकेले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय भेड़ बकरी के, वो सिर्फ भाजीपाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता शेर शेरे बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला नहीं।
लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंडस्टैंड भी दिया है, बिग इंडस्टैंड भी दिया है। हम भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो हमें ये डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजीपाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना, आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर जी, हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए, सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में के ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा, युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसेरस देंगे या रेड मीट लाल गोश्त तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं, भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए, मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता,
पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है, तरक्की करने के बाद आज साइंस यही कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंस में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मिलॉर्ड कासिर को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेफ्ट और 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब जैसे कि आप देख रहे होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितने गुस्से तरीके से बताया इस लड़की के जवाब में कि अच्छा है आप लोग गोश्त नहीं खाते, अगर आप गोश्त खाएंगे तो हिंदुस्तान में वैसे ही गोश्त का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने दांत इंसान के बनाए इसलिए 2 तरह के स्टेट और नकीले के वो दोनों तरह के गोश्त को हर तरह के गोश्त को खा सके। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी मिसाल दी जैसा कि वो पहले भी बता चुके अपनी स्पीचेस के अंदर कि वेजिटेरियन जो होते हैं जो लोग सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों में भी जान होती है, फिर उनको क्यों खाया जाता है? अगर आप मांस के ऊपर खाने पे कहते हैं कि उनको तकलीफ होती है वो नहीं खाए तो फिर उसको भी नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन जो होते हैं वेजिटेबल्स को भी नहीं खाना चाहिए, वो उसको क्यों खाते हैं? तो बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया उन्होंने इस स्पीच में। आपने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते, और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और आप देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते, अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता, इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है,
कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपना आया है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चे लोग कौन सा धर्म साधारी कर लिए? आपके बेटे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे, उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है, शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए, हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है, कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट, रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है, बच्चा मुस्लिम होगा, वो अलग बात है। अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुतपरस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है, उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितना खूबसूरत तरीके से इस वीडियो में बयान किया उस औरत के सवाल में कि उसका बच्चा जो है वो शादी कर चुका है और मुस्लिम हो चुका है, उसका बच्चा मुस्लिम होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि ऑलरेडी कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, भले यहूदी के घर में हो, ईसाई, हिंदू, मुसलमान के घर में हो, तो वो मुस्लिम जैसा ही पैदा होता है, वो अलग बात है वो आगे जाके कोई और धर्म अपना है। तो फिर उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि कन्वर्जन जो होती है किसी मदद से इस्लाम के अंदर, तो बेसिकली वो कन्वर्जन नहीं कहलाती बल्कि रिवर्स कहलाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा किसी धर्म में किसी मदद में पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम जैसा ही होता है, आगे जाके वो अपनी तालीमात देता है। और फिर कंक्लूजन का ये कहा कहने का कि इन दी एंड ऑफ द डे उसको जो है इस्लाम कबूल करना चाहिए, क्योंकि यही सही मदहब है। और जब वो तालीमात दे लेता है अपने बड़ों के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए, और फिर वो डिटेक्ट कर लेता है सही मदहब कौन सा है और इस्लाम की तरफ वापस आ जाता है, तो वो कन्वर्जन नहीं कहलाती, वो बेसिकली रिवर्स कहलाता है, क्योंकि वो पैदा ही मुस्लिम जैसा हुआ था। उम्मीद आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ना बहुत ख्याल रखिएगा।